सो गाइस आए दिन आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, कुछ लोग मुझे पर्सनल मेल करके बोलते हैं कि सचिन भाई हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 100 वीडियो अपलोड कर दी, 200 वीडियो अपलोड कर दी, 300 वीडियो अपलोड कर दी, एक साल हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गए हमें YouTube चैनल पर काम करते हुए, लेकिन हमारा अभी तक YouTube चैनल ग्रो नहीं हुआ है। कंटेंट भी उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं जब चैनल चेक करता हूँ तो कुछ चैनल मुझे ऐसे मिलते हैं जिनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप में से कुछ लोगों के चैनल ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वीडियो आप क्रिएट करते हो अच्छी क्रिएट करते हो, थंबनेल आप बनाते हो अच्छा बनाते हो, कंटेंट भी आपका अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन आपके व्यूज़ नहीं आते हैं, उन वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं और आपने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, लेकिन आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ सच बताऊंगा जो कड़वा होगा लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपको समझना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप भी इसी कैटेगरी में आते हो, मेहनत करने के बाद भी आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, सब कुछ आपके समझ में आने वाला है कि आखिर यूट्यूब पे हो क्या रहा है, किस तरीके से आप ग्रो कर पाओगे। तो गाइस यूट्यूब पे एक फंडा है, एक रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से पहले ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो क्या है, सोचो और ग्रो हो जाओ, सोचो और ग्रो हो जाओ। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे क्रिएटर ऐसे होते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं और जैसे जैसे वो बता रहे हैं सीख नहीं रहे हैं, जैसे जैसे वो बता रहे हैं, जैसे कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो बताते हैं कि मतलब इस टाइप की वीडियो बनाओ, ऐसी वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, ग्रोथ हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब एक तरीके से वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको इस टाइप की वीडियो बनाना चाहिए, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप वीडियो बनाओ तब आप ग्रो हो जाओगे। तो यहाँ पर आप क्या है, आप गलती कर रहे हो, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि सोचो और ग्रो हो जाओ वाला रूल चलता है, अगर आप अपने माइंड से कोई आइडिया निकाल के उसको वीडियो क्रिएट करते हो तो लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आपने दूसरे को देख के वीडियो बना दिया, जैसे आज मैंने आपको बना दिया कि भाई आप IPL के ऊपर वीडियो बनाओ, व्यूज आएगा, ठीक है, तो मेरे यानी कि मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब्सक्राइबर बहुत सारे हैं जो IPL के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे, मतलब सेम वीडियो होने जाएंगे, मतलब सारे लोग सेम ही करने लगेंगे, तो उसमें यूनिक कहाँ से हुआ, तो आप ग्रो नहीं हो सकते। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, एक ऐसा आइडिया निकाल के लेके आओ जो आपको ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे। जैसे आज किसी बड़े क्रिएटर ने एक सब्सक्राइबर के ऊपर वीडियो बना दी तो वो बोल रहा है कि भाई मैंने जो वीडियो बनाई है आप भी वीडियो एक क्रिएट करो, आपका भी चैनल ग्रो होगा, आपके व्यूज आएंगे, तो आप उसका ही जैसे करने लगते हो। मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि आप एक क्रिएटर को फॉलो करते हो, जैसा वो कर रहा है वैसा ही आप करने लगते हो, क्योंकि यहीं पर आप हार जाते हो, यहीं पर आप क्रिएटर नहीं बन पाते हो और यहीं पर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होता है। अगर आपको क्रिएटर बनना है, अगर आपको यूट्यूब पर ग्रो करना है, तो आपको अपना माइंड चलाना पड़ेगा कि अगर इस पर्सन ने कुछ बताया है तो इसने अपने दिमाग से निकाल के कोई आइडिया लेके आया, फिर हमें बता रहा है और हमसे कह रहा है कि ये चीज़ फॉलो करो। तो आपको भी ये चीज़ करनी है कि आपको भी कुछ ऐसा आइडिया निकाल के लेके आना है, अपने व्यूअर्स को बताना, जो भी आपको लोग फॉलो करते हैं धीरे धीरे करके फॉलो करने लगेंगे वो, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ, कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो आपसे पहले किसी ने नहीं की हूँ, आप करोगे और लोगों को यूनिक लगेंगे, लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। आज 10 लोग फॉलो कर रहे हैं, कल 12 करेंगे, परसों 15 करेंगे, 20 करेंगे, 25 करेंगे, इस तरीके से आपको क्या है बहुत सारे लोग फॉलो करने लगेंगे अगर आप खुद के दिमाग से चलोगे। आज अगर मैंने कुछ चीज़ बता दी कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इस टाइप की वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और आप भी उसी टाइप की वीडियो क्रिएट करो, तो भाई आपका यहाँ पर फायदा नहीं होगा, फायदा मेरा होगा। अगर आप कुछ अपने दिमाग से ही वीडियो क्रिएट करोगे, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं किसी को देख के वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आज इस क्रिएटर ने ये वीडियो बना ली, ये अपडेट के ऊपर वीडियो बना ली, मैं भी इस अपडेट के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो ऐसा नहीं करता हूँ। मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ कि आज ये टॉपिक काम का है, तो मैं खुद बताऊंगा अपने व्यूअर्स को और व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक लेके आना है, कुछ ऐसा करना है जो आप क्रिएटर बनो, ठीक है, क्रिएटर बनो, लोग आपको फॉलो करें, उस चीज को फॉलो करें, कुछ यूनिक चीजें हो, तो ये चीज आपको करना पड़ेगी। जब तक आप दूसरों को फॉलो करते रहोगे और उसको ही मतलब बड़ा समझोगे कि ये बड़ा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तब तक आप पीछे ही रहोगे, उससे आगे निकलने की कोशिश करो। मेरे से बहुत सारे क्रिएटर हैं जो काफ़ी ज़्यादा आगे निकले हैं, तो वो एक क्रिएटर हैं, उन्हें अपना दिमाग यूज़ किया है और उसी तरीके से कंटेंट यूट्यूब पे क्रिएट किया है और वो आज आगे हैं। कुछ यूनिक करके दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ, लेकिन अपने माइंड से, दूसरे के माइंड से चलोगे तो कभी ग्रो नहीं हो पाओगे कि आज इसने ये बता दिया तो मुझे यही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा आपको कमाना है, करियर आपको बनाना है, यूट्यूब पे ग्रो आपको होना है, तो भाई आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, दूसरों की चीज़ें से आप ग्रो नहीं हो सकते कि आज इसने ये बता दिया तो मैं ग्रो हो जाऊँगा। आपको खुद अपना प्लान बना के चलना पड़ेगा, खुद चीज़ें आपको करना पड़ेंगी, तभी आप YouTube पे ग्रो हो पाओगे। तो भाई सोचो, समझो और फिर कर डालो, ठीक है।
सोचोगे, समझोगे कि हाँ ये चीज़ सही है और फिर उसके ऊपर वीडियो बनाओगे तो आप ग्रो हो जाओगे। सोचो और ग्रो हो जाओ, बस ये चीज़ आपको याद रखना है, सोचो और ग्रो हो जाओ। अगर आप दूसरे की सोच से चलोगे तो कभी आप ग्रो नहीं हो पाओगे, आपको अपनी सोच से चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।